हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिवनिटी टेरोस एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस गाइस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ऑलराइट, सो आज का जो रीडिंग है वो है कि आप लोग एक दूसरे के लिए क्या फील करते हो, एंड डेफिनेटली दिस इज अ म्यूचुअल फीलिंग भी हम देखेंगे एक दूसरे के लिए। जो आपका पैशन है, जो आपका अट्रैक्शन है वो किस तरह से है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फैंटेसाइज करते हैं वो भी हम देखेंगे, उनके सीक्रेट फीलिंग्स। सो ऑफकोर्स आज का जो रीडिंग है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ये जो रीडिंग होगा ये कम्प्लीटली टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल साइंस, एंड डेफिनेटली इट इज अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एंड अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो जो रेजोनेट कर रहा है प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पहले तो है हम देखेंगे कि आपके फीलिंग्स एक साइड पे रखेंगे, इनके फीलिंग्स एक साइड पे रखेंगे, लास्ट में गाइडेंस कार्ड देखेंगे और कुछ क्यूब से ही हम देखेंगे। ओके, सो पहले मैं बता देती हूँ आपके फीलिंग्स किस तरह से है इस पर्सन के लिए। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं ये अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। देखो, ये सिचुएशन किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो, ब्लॉक सिचुएशन है। सो यूनिवर्स, फेट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। की मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए। So we do have the King of Wands, we do have the Two of Wands, we do have the Moon card. अभी हम देखेंगे आपके person क्या सोचते हैं, ठीक है, आपके लिए। So आपके person क्या सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। Please visualize कीजिए अपने partner को और हम देखेंगे। Okay, all right. King of Swords, Four of Swords, यहाँ पे है Page of Wands, okay. Bottom of the card, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, okay. यहाँ पे जो साइंस यहाँ पे prominent है वो है, I hope you can see the cards properly. I hope आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, right? Okay. आपके साइन, आपके पर्सन के साइन हो सकता है पाइशियस, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है फायर साइन भी है, यहाँ पे एयर साइन है एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। ओके, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट द बॉटम ऑफ द डेक वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाटर साइन में है पाइशियस। अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम बहुत सारे कार्ड्स को भी देखेंगे। देखो, आपको अपने पर्सन के लिए ऐसा फील होता है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है हमेशा अपने पर्सन के लिए कि ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोई थर्ड पार्टी हो या कुछ ऐसा कुछ चीज है जो बोलने लायक नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके पर्सन आपको लगता है कि काफी ज्यादा चीज जो हाइड करने लायक नहीं है, मतलब छुपाने का कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी ये इंसान छुपाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज है कि आपको लगता है आपके पर्सन जो है काफी ज्यादा, आई डू फाइंड कि आपको लगता है ये इंसान अपने में मस्त है और हमेशा ये बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, हमेशा ये गुस्सा कर देते हैं। अगर कुछ छोटी सी छोटी बात हो जाए तो बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में क्लैशेस हो जाते हैं, इनके अंदर घमंड और गुरूर बहुत ज्यादा है। दूसरा चीज है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो है, देखो, कैन यू सी द ड्रैगन कमिंग आउट, ये इंसान जब शांत रहते हैं तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है, लेकिन अगर किसी ने इनको इरिटेट किया तो उनको मतलब इस तरह से वो, मतलब जिस तरह से थंडर होता है ना, बिजली चमकती है ना, उस तरह से ऐसा कर देंगे वो, ठीक है। और ये इंसान मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना काफी ज्यादा केयरफुल रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, हमेशा आपको लगता है इतना अलर्ट रहने की क्या जरूरत है, हमेशा ये अपने को डिफेंड करते रहते हैं, चाहे इन्होंने कोई भी गलती किया हो ये हमेशा डिफेंड करते आए हैं।
और उस सिचुएशन को ही जस्टिफाई करते आए हैं। दूसरा चीज है, आप अपने पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, यहाँ पे 218 दैट इज 9-4 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 218 दैट इज 9-4 इज इम्पॉर्टेंट। देखो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको लगता है इस इंसान के अंदर बहुत कुछ ऐसी अजीब चीजें हैं जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, काफी ज्यादा रहस्यमय है, लेकिन शायद ये आपसे इसलिए छुपा रहे हैं कि अगर आपको पता चला शायद आप बहुत ज्यादा नाराज हो जाओगे, या आपको लगता है इस पर्सन का रियली में किसी के साथ रिलेशनशिप है या पहले से था, लेकिन वो फिर से उनके साथ अफेयर्स कर रहे हैं लेकिन आपके पीठ पीछे, आपको कोई जानकारी नहीं है, शायद आपको पता है शायद आपको नहीं पता है, आपको आप कंफ्यूजन में हो कि ये इंसान जो है जरूर मुझसे दूर हुआ है, अगर ये आपसे दूर हुए हैं इसके पीछे जरूर रीजन वही है, दैट इज अ थर्ड पार्टी इशू, मे बी उनके मॉम, मे बी उनके वाइफ, एक्स वाइफ, मे बी उनके, हो सकता है ये इंसान जो है मैरिड है, हो सकता है इनकी वाइफ जिम्मेदार है आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ, इसलिए ये इंसान आपको अवॉइड करते चले गए और प्रायोरिटी इन्होंने किसी और के ऊपर दिया। दोनों का अगर देखा जाए तो क्वालिटीज एक होंगे, बट शायद आपके पर्सन ने, ठीक है, इम्प्रेस जो उनको कर पाए उन्हीं के ऊपर इन्होंने जो है फोकस किया है, उनको लगा है कि दूसरा जो ऑप्शन है वो उनके लिए अच्छा है, आपको लगता है, आपको महसूस होता है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन ऐसा महसूस करते हैं कि आप काफी ज्यादा ऐसे रिलेशनशिप में, मतलब ये इंसान काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करते हैं आपके लिए, बट ये इंसान आपके लिए, ठीक है, वो ऐसा फील करते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, अगर वो अभी एक्शन कुछ नहीं ले रहे हैं उसके पीछे ये रीजन है, मे बी दे आर बिजी राइट नाउ टू मच इन देयर करियर, मे बी दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, ये कोई हो सकता है ये कोई कंसल्टेंट हो या एडवाइजर हो, या मे बी दे वर्क इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो सकता है, अच्छे पोजिशन में है, लेकिन शायद इनको लग रहा है, ठीक है, आपके पर्सन को इस तरह से लगता है कि अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है, आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर आप इनको बहुत हद तक चाहते हो तो आप क्यों आगे नहीं आ रहे हो, आप क्यों कन्फेस नहीं कर रहे हो, आप इनसे इतना क्यों दूर हो। ये इंसान जो है आपको ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, या आप बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करते हो, जो चीज धीरे धीरे कर सकते हैं वो इतना जल्दी करने का क्या जरूरत है। शायद आपने बताया होगा इनको कोई मैरिज प्लान्स या कुछ फ्यूचर प्लान्स, तो ये बोले होंगे आपको, इतना ज्यादा आप क्यों सोच रहे हो फ्यूचर के बारे में, तो इनको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल भी हो, आप बहुत ज्यादा डिग्निफाइड हो, जिस तरह से आपको लगता है ये घमंड है, इनके अंदर गुरूर है, उनको लगता है कि आप पहले जैसा उनके ऊपर नजर नहीं देते हो, शायद आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो पहले से, ठीक है, इस तरह से उनको महसूस होता है। इवन उनको ये भी महसूस होता है कि आप अपने करियर में फोकस कर रहे हैं और उनको ब्लेम दे रहे हैं कि वो अपना करियर में फोकस कर रहे हैं, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन ये इंसान जो है ऐसा समझते हैं कि यस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड फॉर दैट यू आर अनॉयड, उन्होंने कुछ गलती तो जरूर किया है, इसके वजह से आप गुस्से में हो और आप भी अपने तरफ से कोई भी पॉजिटिव सिग्नल्स इनको नहीं भेज रहे हो, मे बी यू हैड डिटैच्ड देम फ्रॉम योर लाइफ, इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। बिजली गड़कती और मैंने यहाँ पे अभी मेरा नजर यहाँ पे पड़ा, ये आपको समझते हैं कि आप बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा कर लेते हो, या बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि आप रिएक्ट कर जाते हो, हाइपर रिएक्टिव हो जाते हो अगर इन्होंने कुछ भी बता दिया आपको, तो इस तरह से ये समझते हैं। इनका सोच और आपका सोच टू अ सर्टेन एक्सटेंट सिमिलर है। अभी हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया था फोर ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हो, ओके। आप देखते हैं दोनों के म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, द सन,
8, 6 and 19 नंबर इज वेरी सिग्निफिकेंट. ठीक है, 10, 8, 6, 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट. कम्स टू 10, ऊपर से है मैजिशियन. ठीक है, देखो दोनों ही सिचुएशन इस तरह से है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हो, या आप ऐसा मतलब महसूस कर रहे हो कि इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही स्टक हो, बट ये जो सिचुएशन है आप उसको एंड करना चाहते हो, या इस पर्सन भी इस सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं. डेफिनेटली वो पास्ट में जो हुआ है, बीता हुआ जो लम्हे हैं उसको भूलना चाहते हैं. अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन है वो उसको भूलना चाहते हैं. अगर ऐसा है कि आपके साथ वो एक न्यू टूर ट्रैवल मतलब एक न्यू जर्नी पे वो अपने आप को देखते हैं, जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुआ है उसको वो दफनाना चाहते हैं. समझ में आ रहा है? एंड दफना के वो एक नया शुरुआत, एक दोनों ही फील करते हो कि एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे के सोलमेट हो, प्योर सोलमेट हो, लेकिन आप दोनों के ही कहीं ना कहीं पे ईगो जो है इस रिलेशनशिप के बीचों बीच आ रहा है, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है. आप एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, शायद बार बार आप नाम लेते हो या इसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया वो किया, अगर अच्छे लम्हे भी बिताए हैं तो भी उसको याद करते हो. सो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली और मैनिफेस्टिंग दोनों ही स्टक है कुछ ना कुछ इश्यूज को लेके. आप भी स्टक हो इस रिलेशनशिप में, ये इंसान भी स्टक है, लेकिन ये इंसान और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते हैं. और भी है देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे देखो क्या है, ये इंसान और आप दोनों ही इस रिश्ते में काफी ज्यादा ताकत लगा रहे हो कि ये सही हो जाए. एंड यू वांट द विल ऑफ फॉर्चून, मतलब किस्मत का जो पहिया है आपके फेवरेबल, आप दोनों के रिश्ते में फेवरेबल हो. हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आपके किड्स हैं, इस तरह से है. ठीक है, तो मुझे इस तरह से दिख रहा है. और आप चाहते हो कि फ्यूचर लाइफ इन्हीं के साथ बिताए, और ये भी चाहते हैं. दीज आर द म्यूचुअल फीलिंग्स, दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, पूरी तरह से जिंदगी को बिताना और हंसी खुशी बिताना, डिससेटिस्फाइड होके नहीं, कॉम्प्रोमाइज करके नहीं. ठीक है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको भी नहीं करना है, इनको भी नहीं करना है, आप दोनों ही सोचते हो लेकिन सही हो जाए, पहले जैसा सब कुछ सिचुएशन सही हो जाए. और मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आप इनके रूह को ना महसूस करते हो कि इर्द गिर्द है ये पर्सन, आपको लगता है भले ही आपसे दूर है. ठीक है, ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात भी कर रहे हैं, अगर ये ऑफिस में भी है, अगर ये कहीं पे भी है, आपको लगता है इनके साथ एक टेलीपैथिक कनेक्शन जो आप स्ट्रांगली महसूस करते हो. ओके, नाउ यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए. अबंडेंस, पीसफुल रिजोल्यूशन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. इस रिश्ते में डेफिनेटली खुशियां ही खुशियां आपके दामन में, आपकी झोली में खुशियां ही खुशियां आएगी. यहाँ पे दोनों के बीच सुलह हो जाएगा. अगर नहीं हो रहा है तो आप एक दूसरे के साथ फिर से बातचीत कर सकते हो, या किसी और को आप दोनों के रिलेशनशिप में ठीक है इन्वॉल्व कर सकते हो, जो आपको सोल्यूशन दे सकता है. और देर इज समथिंग बेटर, ये रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि डिटोरिएट करेगा. अगर आपको लगता है नहीं हम नहीं कर सकते, देखो रिकंसिडर करने के लिए बोल रहे यूनिवर्स. ठीक है, अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे रिकंसिडर नहीं करना है, तो देर इज समथिंग बेटर फॉर यू, तो आपके लिए बेटर ऑप्शंस है, आप कर सकते हो. बट यहाँ पे बार बार यूनिवर्स यही इंडिकेट कर रहे हैं, स्पेशली आज के रीडिंग में, कि थोड़ा सा आप समय दे दो इस इंसान को भी और आपको खुद को भी. ठीक है, खुद को, खुद के अंदर जो हीलिंग है वो करो. ठीक है, एडवाइस सजेशंस फॉलो किया करें, मैनिफेस्ट किया करें. और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजों को भूल के आगे बढ़ना पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो चीज सॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस अगर क्रिटिकल है उस चीज को आप लिव कर दो, मतलब तो छोड़ दो, एंड देन यू फोकस ऑन योर वर्क, अपने कार्य पे फोकस कीजिए. ठीक है, इतना मत सोचिए, जितना सोचोगे तो वो जलेबी जैसा सोचते ही चले जाओगे फिर आप लोग. ठीक है,
सो देयर इज समथिंग ऑलवेज बेटर इन योर लाइफ. आपके जिंदगी में डेफिनेटली बेहतरीन से बेहतरीन चीज आने वाली है, उसको रिसीव करें. और इस रिश्ते से अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं एक बार सोच के देखें. ठीक है, एक बार और सोच के देखें उन लोगों के लिए जो मूव ऑन करना चाहते हैं. जो मूव ऑन नहीं करना चाहते उनके लिए ये इस तरह से है कि अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टाइमिंग में ही आएगा, उससे पहले नहीं. कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ ही गया है, हो सकता है विद इन 10 days 10 weeks. द मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आप 10 10 10 10 देखता ही जाओगे. 10 01 आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, लोगों से मदद मांग सकते हैं, आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल फ्रेंड्स से, अगर आपको लगता है कोई सुलह कर सकते हैं. ठीक है, या आप अपने एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स को भी मदद मांग सकते हैं कि इस रिश्ते में क्या करें. ठीक है, सो थोड़ा सा हम देख लेते हैं विद द क्यूब्स. या इस इंसान भले ही आपको कुछ और शो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे नजर तो आप ही के ऊपर है. ठीक है, और दोनों मुझे इस तरह से दिखता है, ऐसा फील भी हो रहा है कि लव एट फर्स्ट साइट हुआ था आप लोगों का. एक दूसरे आंखें बहुत सुंदर हो सकते हैं आपके पर्सन के या आपके खुद के. यहाँ पे डेफिनेटली ये रिश्ते, कुछ लोग यहाँ पे रिश्ते क्या मतलब फिर से नई शुरुआत करोगे, या बहुत ऐसा है कुछ लोग कि कुछ ही दिन हुए हैं आप लोग मिले हो. ट्रैवल हो सकता है, मैंने आपको बताया है, ये हो सकता है ये इंसान आपके तरफ आ रहे हैं. ठीक है, दूर से, नॉट फ्रॉम अ यू कैन से वेरी लेस डिस्टेंस, इस तरह से नहीं दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप. दूसरा चीज है, भले ही कछुए के स्पीड पे चले लेकिन टारगेट इस पर्सन का आप ही हो, और थोड़ा सा आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करें और इस रिलेशनशिप के बारे में और ज्ञान हासिल करें ताकि आप स्पष्टता से देख पाए और विचार कर पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी डायग्नोस्टिक्स, व्हेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव यू ऑल. थैंक यू.